नमस्कार दोस्तों, ये जबड़ी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी लव स्टेटस बनाना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको क्रिएट न्यू लिखा उधर क्लिक कर देना है, यहाँ से 9x16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपका जो फोटो वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पहले पोस्ट है वो ऐड कर दूंगा। या तो दोस्तों उसी तरह से आपको इधर से अपने जो भी पोस्ट है वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पहले पोस्ट है वो ऐड कर देता हूँ। पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर पोस्ट है वो ऐड कर दिया और उसी तरह से आपको भी इधर पोस्ट ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह करने के बाद दोस्तों इसमें आप इफेक्ट कैसे जो कि बीट कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको अपने पोस्ट है वो ऐड कर देने और उसी तरह से आपको इधर पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा उधर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको थ्री कर देना है। थ्री करने के बाद दोस्तों इधर से आपको फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका जो वीडियो रहेगा वो आप सही से सेंड कर देना क्योंकि आपका फोटो रहेगा वो हिलेगा नहीं और उसी तरह से इसे जूम करके इधर से लॉक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको सभी को जो जितने भी आपको पोस्ट है उन्हें सभी को इधर से लॉक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी पोस्ट लॉक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से आपको इधर से थ्री पोस्ट लॉक करके दिखा देता हूँ। उसी तरह से आपको इधर लॉक पैक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद दोस्तों इधर से आपका सॉन्ग है वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना सॉन्ग है वो इधर ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा जो कि आपने जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहो वो इधर आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों इधर से मैं सॉन्ग ऐड, तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने सॉन्ग आ जाएगा और इधर से आपको कैंसिल वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसे आपको जूम कर देना है। उसी तरह से आपका जो बीट ऐड हो रहा है वहाँ पर आपको इसे कट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको बीट के हिसाब से ही आपको सभी है वो कट कर देना है जो कि आपके फोटो रहे चेंजिंग रहेंगे वो बीट के हिसाब से चेंजिंग रहेंगे और उसी तरह से आपको इधर जो आपको बीट दिख रहे हो। तो दोस्तों देख सकते हो इसे आपको पहले बीट कर देना है। तो दोस्तों उसी तरह से आपको इधर पहले बीट कर देना है और बीट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कुछ इधर आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा जो कि बीट के हिसाब से आपको इधर पूरा सॉन्ग कर देना है। तो इसका आप देख सकते हो इसका वॉइस रहेगा उसके हिसाब से आपको बीट ऐड कर देना है। और दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपका जो फोटो रहेगा वो बीट के साथ चेंजिंग रहेगा और उसी तरह से आपको इधर बीट के हिसाब से फोटो को कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी हिसाब से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको आपका बीट रहेगा उसी हिसाब से आपको फोटो को सेट करना है जो कि देख सकते हो। दोस्तों इधर से आपको बहुत से बीट देखने को मिल जाएगा तो इधर आपको छोटे बीट है उधर भी आपको कुछ इसी तरह से कर देना है तो आपका फोटो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक चेंजिंग रहेगा और आपका वीडियो भी रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह करने के बाद दोस्तों इधर से आपको सभी में बीट ऐड कर देना है। उसी तरह करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी तरह से आपको पूरे में कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पूरे में बीट पहले आपको सॉन्ग को देखना है। इधर से आप सॉन्ग को देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है जो कि आपका बीट रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपका सॉन्ग रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऊपर उसका दिखेगा तो उसी तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से क्या करना है आपको आपके बीट के हिसाब से जो कि देख सकते हो इतना बीट आ गया तो इसके हिसाब से आपको फोटो को कट कर देना है। और दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर भी आपको बीट देख सकते हो आपका जो लाइनिंग रहेगा वो कुछ इसी तरह से हो जाएगा और उसी तरह से आपको पूरे में बीट ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं सभी में कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पूरे में वो वाला ही सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आप करोगे तो इधर आपका बीट रहेगा उसके हिसाब से ही आपको कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इधर से आपको पहले फोटो को फुल कर देना है उसी हिसाब से आपको अपने बीट के हिसाब से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी फोटो को फुल कर देना है जो कि लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों आपको फोटो रहेगा वो हिलेगा नहीं और उसी तरह जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्लिप सब का ऑप्शन मिल जाएगा तो दोस्तों इधर आपको कुछ इसी तरह से फोटो को कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको दूसरे भी फोटो में आपको क्लिक करके उसी तरह से आपको डीजे कॉल मी डीजे वाला कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके फोटो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा और दोस्तों उसी तरह से आपको इधर भी कुछ इसी तरह से उसका दूसरा है जो कि कॉल मी डीजे का दूसरा इफेक्ट है वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी में इफेक्ट में ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर
आपको करके दिखा देता हूँ। उसी तरह करने के बाद जो है देख सकते हो, उसी तरह से आपको इधर से कौन सा भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो दोस्तों। इसमें इफेक्ट ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो दिया जाएगा, जो कि आप अपने ब्लैक स्क्रीन लगाओगे तो आपका इफेक्ट रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा। और उसी तरह से आपको इधर इफेक्ट ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसे आपको ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसे आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इधर से आपको नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाके इधर से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक रहेगा और चेंजिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें आपको इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आप अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट करना चाहो तो इधर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।